हरी यर फ्रेंड, आरआरबी जेई 2019 में आपका स्वागत है। हम देख रहे हैं जनरल साइंस का बायोलॉजी का सातवां पार्ट, ठीक है, सातवां वीडियो देख रहे थे। तो पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टीथ ऑफ चाइल्ड 3 to 4 इयर्स इज नॉट ए पार्ट ऑफ मिल्क टीथ। विच ऑफ द फॉलोइंग टीथ ऑफ चाइल्ड 3 to 4 इयर्स इज नॉट ए पार्ट ऑफ द मिल्क टीथ। मिल्क टीथ का पार्ट नहीं है, तो इंसिसोर्स, कैनिन्स, मोलर्स एंड परमोलर्स। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सी, मोलर्स। मोलर्स इज द नॉट ए पार्ट ऑफ द मिल्क टीथ, ठीक है, मोलर्स याद रखना। क्वेश्चन नंबर टू देखिए, हु सेड द स्टेटमेंट आई फ्लैटर माई सेल्फ हैविंग डिस्कवर द मेथड दैट नेचर इम्प्लॉयज टू प्योरीफाई एयर, इट इज वेजिटेशन। इट इज क्या है, वेजिटेशन। ये किसने स्टेटमेंट दिया था, आई फ्लैटर माई सेल्फ हैविंग डिस्कवर द मेथड दैट नेचर इम्प्लॉयज टू प्योरीफाई एयर, इट इज वेजिटेशन। तो ऑप्शन देख लीजिए, एंटोनाइन ल्यूरेंट, लोवीजर, जोसेफ प्रिस्टली, लुइस पाश्चर, विलियम हार्वे। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बी, जोसेफ प्रिस्टली इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर थर्ड देख लें, व्हाई इट इज नॉट एडवाइजेबल टू स्लीप अंडर अ ट्री एट नाइट। तो इसका रीजन आप पहले से जानते हैं कि नाइट में जो ट्री के नीचे क्यों नहीं स्लीप कर सकते। तो उसका रीजन ये होता है कि नाइट के समय पे जो प्लांट्स होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे हमारा चलता है सर्कुलेटरी सिस्टम, मतलब श्वसन क्रिया चलती है, वैसे प्लांट का भी चलता है कि हम जैसे ऑक्सीजन लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, वैसे वो भी ऑक्सीजन लेते हैं नाइट में, ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो ये एक रीजन है। तो देखिए इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या है, रिलीज ऑफ लेस ऑक्सीजन, रिलीज ऑफ मोर ऑक्सीजन, रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिलीज ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। तो सी ऑप्शन राइट होगा इसका, क्वेश्चन नंबर थ्री का सी ऑप्शन, क्योंकि वो रिलीज करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, इसलिए हम नहीं मतलब स्लिप करते हैं। नॉट एडवाइजेबल टू स्लीप अंडर अ ट्री एट नाइट, व्हाई इट इज़ नॉट एडवाइजेबल, ठीक है। तो इसका रीजन ये है। क्वेश्चन नंबर फोर देख लेते हैं, व्हाट इज़ द एवरेज रेट ऑफ द हार्ट बीट्स पर मिनट इन एन अडल्ट। मतलब एक अडल्ट जो है उसको एक मिनट में कितनी बार हार्ट बीट होती है। तो ऑप्शन दिया है 60, 72, 84 और 96। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी, 72, ठीक है, 72 बार धड़कता है हमारा दिल, एक एडल्ट पर्सन 72 बार एक मिनट में धड़कता है, हार्ट बीट होती है। क्वेश्चन नंबर फाइव देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वॉल्यूम ऑफ यूरिन प्रोड्यूस इन एन अडल्ट ह्यूमन एवरी 25 ईयर्स। तो वॉल्यूम कितना होता है यूरिन का जो प्रोड्यूस होता है एक अडल्ट जो 24 आवर्स में कितने मतलब यूरिन प्रोड्यूस होते हैं एक अडल्ट ह्यूमंस के। तो क्वेश्चन नंबर फाइव का जो ऑप्शन दिया है देखो, 1 लीटर, 1.5 लीटर, 3 लीटर, 5 लीटर। तो क्वेश्चन नंबर फाइव का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बी, 1.5 लीटर, 24 आवर्स में इतने लीटर यूरिन प्रोड्यूस करता है 24 आवर्स में एक अडल्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सिक्स देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग पिगमेंट कॉजेज आई कलर ऑफ पर्सन ब्राउन आइज, ब्लू आइज और ब्लैक आइज, ठीक है, कॉजेज आई कलर ऑफ पर्सन, आई कलर ऑफ पर्सन। तो क्वेश्चन नंबर सिक्स का ऑप्शन है कॉर्निया, कोरॉइड, इरीज, वाइट्रियस बॉडी। तो क्वेश्चन नंबर सिक्स का करेक्ट ऑप्शन है सी, इरीज, ठीक है, इरीज। क्वेश्चन नंबर सेवन देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग लेड टू द एक्सपल्जन ऑफ मिल्क फ्रॉम द ब्रीस्ट ड्यूरिंग सकलिंग। विच ऑफ द फॉलोइंग लेड टू द एक्सपल्जन ऑफ मिल्क फ्रॉम द ब्रीस्ट ड्यूरिंग सकलिंग। तो ऑप्शन ए है प्रोलैक्टिन, ऑक्सीटॉक्सिन, वास्पोप्रेसिन, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रॉन। तो क्वेश्चन नंबर सेवन का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बी, ऑक्सीटॉक्सिन, ठीक है, ऑक्सीटोसिन। क्वेश्चन नंबर एट देख लेते हैं, वेयर डज फर्टिलाइजेशन अकर्स इन द फीमेल, वेयर डज फर्टिलाइजेशन अकर्स इन द फीमेल। तो ऑप्शन है फैलोपियन ट्यूब, यूट्रेस, कार्विक्स, वेगिना। तो एट का जो करेक्ट ऑप्शन है वो ए है, फैलोपियंस ट्यूब, फैलोपियंस ट्यूब इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नाइन देख लें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिवर्सल रेसिपेंट ब्लड ग्रुप, यूनिवर्सल रेसिपेंट ब्लड ग्रुप, इनमें से कौन है, तो ए है, बी है, ए बी है, ओ है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है आठवां का, सॉरी नाइन्थ का, वो है सी, ए बी,
जिसको यूनिवर्सल रेसिपिएंट ब्लड ग्रुप बोला गया, यूनिवर्सल रेसिपिएंट ब्लड ग्रुप। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं, व्हाट प्रोपोर्शन ऑफ चिल्ड्रन इज लाइकली टू कलर ब्लाइंडनेस व्हेन देयर पेरेंट्स, मदर हैज़ नॉर्मल विजन, फादर हैज़ कलर ब्लाइंडनेस। तो बच्चे का क्या होगा, उसका कलर ब्लाइंडनेस कैसा होगा? तो 0%, 25%, 50% या 100%। तो ऑप्शन 10th का जो करेक्ट ऑप्शन है वो ए है, 0%। ठीक है, तो इस तरीके से आप वीडियो देखते जाइए। बायोलॉजी का ये 7वां वीडियो था। इस तरीके से 8, 9, 10 टोटल 20 वीडियोज आपको मिलेंगे, और भी जो इससे रिलेटेड, बायोलॉजी से रिलेटेड हो, आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे, कि ताकि आपका बायोलॉजी से रिलेटेड आपका जो नॉलेज है वो परफेक्ट हो सके। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।